आज इतनी महंगाई के ज़माने में भी 30 रुपये में अगर आपको कोई फुल पेट भर के खाना खिला रहा है, आप ये शेयर ज़रूर करें ताकि कोई मतलब किसी के पास पैसे भी ना हो तो वो अपना खाना खा सके। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो राम राम भाई सारा ने, तो आप देख रहे हो वेदी ब्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट 33 वेदी। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ मतलब आप आज की इस दौड़ भरी दुनिया में, इतनी महंगाई की दुनिया में अगर आप सुनोगे वो चीज़ देखोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे। और हम आए भाई श्री सांवलिया जी मित्र मंडल मांडफिया में, बिल्कुल सांवलिया सेठ जी मंदिर के पीछे है। और इस चीज़ की विशेषता क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। और विशेषता ये है भाई, हमने खाना भी टेस्ट किया है यहाँ का, विशेषता ये है कि मतलब आज इतनी महंगाई के ज़माने में भी 30 रुपये में अगर आपको कोई फुल पेट भर के खाना खिला रहा है, चपाती है, दाल है, सब्जी है, चावल है, अचार है, मिठाई है। अरे अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतनी महंगाई में अगर पुण्य का काम करें तो फिर भाई अंदर जाके पूछते हैं कि मतलब क्या है, ऐसा क्या राज है, 30 रुपये में भर पेट कैसे खाना खिला सकता है। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार सर। सर ये कैसे मतलब किस रुपये से ला रखा है ये, मतलब 30 रुपये में भरपेट खाना, एक तो रोटी है, चावल है, मीठा है, अचार है, सब्जी है, दो तरह के हमने खाया भी, बहुत अच्छा है। मतलब बाबा ने ऐसी क्या मेहरबानी कर रखी, आपने कर रखी, मतलब सब मिलके कर रहे हैं। सर इसमें हमारे कुछ भी नहीं है, हम तो क्या नौकरी करते हैं, ये सारा मैनेजमेंट मंदिर करता है, मंदिर की तरफ से व्यवस्था है सारी। तो बाबा के मंदिर की तरफ से चला हुआ है, मंदिर की तरफ से व्यवस्था है, लगभग 25-30 वर्षों से चली आ रही है। अच्छा अच्छा जी। बीच में अभी 8-10 वर्षों तक निःशुल्क भोजन था, ठीक है। अब वापस इसको जून में 23 जून कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ है, जिसमें 30 रुपये थाली के हिसाब से भोजन मिलता है, सारी व्यवस्था मंदिर की तरफ से। अच्छा, ये मतलब खाना खा के थाली भी खुद ही रखते हैं, मतलब बोलते हैं कि झूठा नहीं रखते, तो क्या भक्तों के लिए या कोई भी आए, मतलब एक्चुअल में सब आदमियों के लिए है व्यवस्था, कि एक एक आदमी उठा के थाली अंदर लेके जाए तो टाइम बर्बाद होता है, उसी हिसाब से सारी थालियाँ उठाना का काम सारे कर्मचारी करते हैं। और फिर डेली मतलब क्या क्या बनता है यहाँ, मतलब डेली कुछ ना कुछ अलग बनता है एक ही तरह का, जैसे आज आपने रोटी चावल खीर और दाल और सब्जी खिलाई है जी, तो फिर और दिन मतलब क्या बनता है, डेली यही बनता है? नहीं, डेली सब्जी चेंज होती है, मिठाई चेंज होती है, अब शाम को खाना बनेगा जिसमें हलवा बनेगा, सब्जी चेंज हो जाएगी, दाल चावल सेम रहेंगे, दाल चेंज हो जाएगी। और मतलब ये किस टाइमिंग क्या है ये? एक्चुअल में सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक चलता है, फिर शाम को 6 बजे से रात को 11:30 बजे तक चलता है। तो ये मतलब जो भी यहाँ से 30 रुपये ये भी मतलब खाने में लग जाएंगे, और जो मतलब बाकी का और बच गया तो खाने में वो मंदिर के उसमें जाएगा। नहीं, राशन वगैरह सारा, राशन सब्जी है, गैस वगैरह सारा सामान मंदिर ही देता है हमारे को, हमारे तो केवल हम भी सर्विस करते हैं। अच्छा, सर्विस करते हैं जी, मंदिर की तरफ से हम भी सर्विस करते हैं, सैलरी बेस पे समिति बना रखी है, मतलब मंदिर की तरफ। हाँ, मंदिर मंडल की तरफ से ही है सारी व्यवस्था। अच्छा अच्छा जी, बाबू जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, भगवान बाबू जी जय श्री श्याम। सच्ची आप बाबा ने पार्टनर ही बना रखे है आपको, तभी आप कुछ जो आप मंदिर लगाता है वो बात ठीक है, आप सारा दिन ड्यूटी करते हो, कर्मचारी हो आप बेशक वो बात नहीं, लेकिन सारा दिन ड्यूटी करते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपनी एक पता नहीं किस तरह के लोग भी आ जाते होंगे, 30-30 रुपये देने को ही मना करते होंगे, कभी इस तरह के भी आते, उनको भी फ्री खिलाते होंगे कभी कभी आप। बहुत सारे आते हैं, जैसे कोई साधु महात्मा आता है, कोई पेरेलिसिस अपंग आता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है तो भी मंदिर खाना खिला के भेजता है, भूखा किसी को नहीं भेजते। हाँ, यही तो मैं कुछ कम हो गया, तो ये तो वो कह रहे हैं कि मैंने बाबा असीम कृपा कर रखी है, बाबा जी असीम कृपा कर रखी है। ठीक जी, धन्यवाद, ओके, जय सांवलिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, हरे हरे। और भाई ये है श्री सांवलिया मंदिर मंडल के द्वारा, और ये बिल्कुल मंदिर के पीछे है, तो फिर आप एक बार खाना जरूर टेस्ट करें, 30 रुपये में कुछ नहीं जाता। अपनी ओर से मतलब कोई यहाँ पे कुछ पैसे मतलब देना चाहे बाबा के दर पे जो मतलब खाना खिला सके,
वो भी हो सकता है। तो कार्यालय बना हुआ है मंदिर का। अच्छा जी, राशि जमा करने के। अच्छा तो भाई वही मतलब, और तो जरूर आइए एक बार, और बाबा ऐसी असीम कृपा अपनी बनाए रखें, और बहुत अच्छा गाना है भाई। तो फिर वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो आप ये शेयर जरूर करें, ताकि कोई मतलब किसी के पास पैसे भी ना हो तो वो अपना खाना खा सके। तो फिर तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, कमेंट बेशक मत करना, शेयर जरूर करना। जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक।